हेलो हेलो दोस्तों, आज एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये जो है ये एक लेजर लाइट है, यूएसबी टाइप का। इसका जो हेड है इसको घुमा के लाइट को एडजस्ट करना पड़ता है। कैसा इसका स्टाइल होगा दोस्तों, इसको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन हम इसको मॉडिफाई करके इसको ऑटोमेटिक बनाएंगे। उससे पहले एक बार देख लेते ये काम कैसे करता है। दोस्तों आप देख पा रहे कि बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में, मैं इसको हाथ से घुमा रहा हूँ। देखिए हम इसे लगातार हाथ से तो नहीं घुमा सकते, तो हम क्या करेंगे इसको मॉडिफाई करके ऑटोमेटिक बनाएंगे जिससे कंटिन्यू घूमे। दोस्तों उसको ऑटोमेटिक बनाने के लिए जैसे मैं कर रहा हूँ देख के आप ऐसे कीजिए। पहले एक सेवलॉन का हैंड वॉश का डब्बा ले लेता है, फिर इसको खोल के इसका ये जो पार्ट है इसको ले लेंगे। इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको फेंक देंगे और ये ले लेंगे। ये हमारा काम का चीज़ है। फिर एक गियर मोटर ले लेंगे और इसके साथ ऐसे इसको लगा देंगे। फिर एक चाकू की मदद से इसको इधर कट कर देंगे। ये कट हो जाने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा, फिर इसको लगा देंगे। फिर आप ध्यान से देखिए ये जो लेजर लाइट है इसको इधर फिट करेंगे। मैं इसे चिपकाने के लिए सेलो टेप इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप इसे ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं। मैं टेम्पोररी इसको लगाने के लिए सेलो टेप इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाद में मैं इसको खोलूँगा। इसको चिपकाना हो गया, इधर थोड़ा सा स्क्रैच कर देंगे इसका फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए, क्योंकि इधर एक रबर बैंड लगेगा जो लेजर का जो हेड है उसको घुमाएगा। अच्छे से घुमा घुमा के इसको करना, फिर एक अच्छे वाला जो रबर होता है उसको लगा देंगे। दो टर्न ठीक है, आप तीन टर्न भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो अब देख पा रहे कि काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से घूम रहा है। तो चलिए अब टेस्ट करने का बारी आ गया। दोस्तों आप अगर ये गियर मोटर और ये लेजर लाइट खरीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। अब देख पा रहे कि सही से काम कर रहा है। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अगर ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले जो बेल आइकन है उसको बजा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।